अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता। तो रायता शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो कद्दू होता है ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। ये हार्ट अटैक से बचाता है और गर्मी में भी बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मी के असर को ये ज़ायल करता है। तो अब उसकी मैं चीज़ें बताती हूँ आपको। ये कद्दू मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम। ये दो छोटे छोटे प्याज लिए हैं, इनको मैं काट के तो नमक लगा लूँगी इनको, फिर उसके बाद धो के तो इस्तेमाल करूँगी। सब्ज़ मिर्च, टमाटर, पुदीना, और ये कद्दू को भी आप बेशक काट के इसके टुकड़े करके बॉईल कर लें और चाहे इसको आप कश कर लें। और उसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए वो है काली मिर्च पाउडर, ये 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून, और साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरे को मैंने भूनना है और तकरीबन 1/2 kg दही है। तो अब मैं ये कद्दू काट के तो इनको बॉईल करती हूँ। तो आप कद्दू को काटने से पहले थोड़ा सा चेक कर सकते हैं खा के ये कड़वा तो नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि इनमें थोड़ी कड़वाहट होती है। ये मैंने कद्दू को पकने के लिए रख दिया है। इसमें बिल्कुल ये देखें थोड़ा सा पानी डाला, अब मैं इसको ढाँप देती हूँ और जब ये गल जाएगा तो इसको मैश कर लूँगी। ये जो हमारे कद्दू हैं वो गल गए, तो आप चाहें तो इसको चम्मच के साथ इस तरह से मैश कर सकते हैं, तो चाहे इस तरह से। ये देखें ये कद्दू मैश हो गया है, और ये बिल्कुल बारीक नहीं करना हमने, बस हल्का हल्का सा इसको करना है। जब आपने कद्दू को बॉईल करना है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और जितना पानी डालना कोशिश करनी कि वो ड्राई हो जाए। अब इसमें हम ये प्याज मैंने काट लिया और इसके साथ ये पुदीना है, ये और ये सारी चीज़ें कद्दू को ठंडा होने के बाद इसमें डालनी है। ये काली मिर्च पाउडर और सब्ज़ मिर्चें अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। और ये ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा इसमें से रख लूँगी मैं। इस ज़ीरे को भूनने के बाद बिल्कुल मैंने इसको हल्का सा किया, ये देखें साबुत भी बीच में नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें देखें अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैंने इसमें ये दही डालना है। दही को मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया, ये देखें। अगर आपको महसूस हो कि जो दही है वो थोड़ा खट्टा ज़्यादा है तो फिर आप इसमें 1 चम्मच चीनी शामिल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा दूध डाल लें। सबसे आखिर में आप इसमें ये थोड़ा सा चाट मसाला डाल लें, तकरीबन 1 टीस्पून है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें इसमें डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें। और सुरख मिर्च पाउडर भी अगर आप बहुत स्पाइसी खाने वाले हैं तो फिर आप इसमें डालें, नहीं तो काली मिर्च ही काफ़ी है इसमें। ये देखें इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर पुदीने के 2-3 पत्ते लगा दिए। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा कद्दू का रायता तैयार है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, गर्मियों में
इस्तेमाल करें। ये कैल्शियम का भी एक अच्छा सोर्स है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करें, लाइक करें और अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।